हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू खुशबूस किचन। तो आज हम बनाएंगे डोसा, नहीं तो चावल, नहीं तो दाल। इसमें यूज़ करेंगे हम यूज़ करेंगे मुरमुरा, यानी कि मुर्रा, इस क्रिस्पी और डिलीशियस डोसा को बनाने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं शेयर करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस टेस्टी सी न्यू रेसिपी को। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है पूरे कप भर करके 4 कप मुरमुरा। मैंने एक बाउल पे मुरमुरे को डाल दिया है 4 कप, और उसे पानी डाल करके 10 से 15 मिनट के लिए भिगा कर रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/2 यहाँ पे पानी डाल के रखा है। ये जो मैंने बाउल लिया वो छोटा हो रहा है, इसे हम बड़ा वाला बाउल पे ट्रांसफर करते हैं। तो अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे भीगने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जितने भी पानी है वो अच्छे से मुर्रे पे अब्सॉर्ब हो जाए। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है रवा, यानी कि सूजी। मैंने बारीक वाला सूजी का यूज़ किया है। अगर आपके पास बारीक वाला रवा ना हो तो आप मोटे वाले रवा को मिक्सी में पीस करके आप उसे भिगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे भिगा दिया है। अब हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे सांभर के लिए। तो मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर, मिर्ची, लौकी और कुमड़े का यूज़ किया है। अब इसे एक कुकर पे सबको डाल देंगे और पानी डाल करके इसे 5 से 6 विसल लगा देंगे। अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये जो मुरमुरे हैं उसका पानी हम थोड़ा सा सोख करके उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे जो सूजी है उसे भी लिया है, दही और गेहूं का आटा, और ये 2 टीस्पून बेसन और शक्कर मैंने कलर के लिए लिया है। इन सबको पीस करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए इस बैटर को छोड़ दे देंगे। अब यहाँ पे हम फ्राई करेंगे सांभर को। सांभर में तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 2 टीस्पून ऑयल डाला है, और जीरा, सरसों, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च। अब यहाँ पे डालेंगे रेड चिली पाउडर, जो कि यहाँ पे सांभर में कलर अच्छे से लाएगा। अब यहाँ पे हम डाल देंगे सांभर का दाल। ये देख सकते हैं सांभर को मैंने यहाँ पे पूरा डाल दिया है, और उसके साथ ही बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे सांभर मसाले का पैकेट लिया है, उसे मैंने पूरा यूज़ किया है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो सांभर दाल, सांभर का चटनी है वो बनके रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे आलू का चटनी। उसके लिए 2 टीस्पून ऑयल लिया है, और यहाँ पे मैंने डाली हूँ जीरा, सरसों और करी पत्ते, और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है चना दाल। इन सबको अच्छे से चटकने देते हैं। करी पत्ता डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाला है 2 मीडियम साइज की प्याज। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, एकदम हल्का लाइट कलर होते तक का ही भूनना है। और साथ ही मैंने यहाँ पे रफली चॉप किए हुए टमाटर डाला है। अब मैंने यहाँ पे कुछ सूखे मसाले डाले हैं, जैसा कि हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है धनिया का पाउडर, और मैंने यहाँ पे डाला है 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही कलर के लिए मैंने यहाँ पे डाला है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे ढककर के 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो चला जाए। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून के जैसा गरम मसाला का भी यूज़ किया है। आप चाहो तो यहाँ पे मैगी मसाला का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू यहाँ पे मैंने मैशर से मैश कर लिए है, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है मसाले में। अब इन आलू को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं आलू और मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और इसे पकाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, पर भी इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से ढक कर के पकाएंगे। और यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, अब यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो डोसा का जो चटनी है आलू वाला वो बनके रेडी हो गया है। अब इसे हम साइड कर लेते हैं। अब हम देखते हैं जो मैंने रेस्ट करने के लिए हमारा डोसा का बैटर रखा था उसे मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून यहाँ पे नमक डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे खाने का सोडा लिया है 1/2 टीस्पून, उसे भी डाल देंगे और सोडा डालने के बाद 30 से 40 सेकंड तक लगातार अच्छे से फेंट लेंगे। मैंने यहाँ पे पैन गरम कर दिया है और उसमें पानी डाल के थोड़ा सा ठंडा कर लिया। अब उसमें डालेंगे बैटर। बहुत ही गरम गरम पैन पे हमें डोसा का बैटर नहीं डालना है, वरना वो बहुत ही जल्दी से जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से ही फाइन इसे फैला दिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे और आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो आना स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ा इसमें का जो पैन का जो बैटर है वो छोड़ने स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं ये जो डोसा है बहुत ही बन के रेडी हो गया, बहुत ही क्रिस्पी और करारे डोसे बने हैं। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना ही क्रिस्पी डोसा बना है। मैं अब एक और डोसा बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने पानी डाल के पोंछ लिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा दूसरा वाला डोसा भी है वो बन के रेडी हो चुका है। तो ये लग रहे हैं ना बहुत ही करारे और क्रिस्पी डोसा, एकदम ही इंस्टेंट डोसा है। ना ही तो आपको दाल भिगाना है, ना ही तो चावल, फटाफट 10 मिनट में बनने वाली क्रिस्पी डोसा, बहुत ही डिलीशियस। आप इस डोसा को कहीं भी और कभी भी बना करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कट पीस भी डोसा बनाए हैं। तो आपको आज की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंजॉय द रेसिपी।